गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? आशा यही है कि आप सभी अच्छे होंगे। कोरोना महामारी की वजह से आज हम आपसे यूट्यूब के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं, तो इस वजह से मैथ्स के पीरियड देने के लिए मैं आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो मैथ्स के लिए रेडी हो आप सब? ठीक है, तो शुरू करें। मैथ्स का पहला टॉपिक रहेगा नंबर्स मीन्स संख्याएं। संख्याएं होती क्या है? क्या होती है संख्याएं? संख्याएं होती हैं और दो चीजें होती हैं। अभी मैं बताऊंगा क्या होती हैं ये सारी चीजें। दो चीजें होती हैं, वन नंबर डिजिट, सेकंड नंबर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर? डिजिट और नंबर के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये आप सबको पता होना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, रेडी हो? डिजिट क्या होती है और नंबर क्या होती है, ध्यान से देखिए। डिजिट और नंबर, कोई भी मैंने एक 5, 3, 2 ये लिखा, क्या ही नंबर है या डिजिट है? बताइए क्या है। 5, 3, 2 को यदि हम एक साथ बोलेंगे तो ये क्या कहलाएगी? नंबर। एंड यदि इसको 1 by 1 बोलेंगे, इसमें 2, 3, 5 तो कितने डिजिट है? 1, 2, 3 पीछे से गिन लो, 1, 2, 3 तो ये क्या कहलाएगी? डिजिट। जैसे कि 632 में कितनी डिजिट है, मैं पूछूं कितनी डिजिट है तो आप बताओगे 1, 2, 3 थ्री डिजिट है। कितनी है? थ्री डिजिट है। कितने डिजिट है? थ्री डिजिट है। एंड 632 को हम यदि मिला दें, मिलाकर बोले तो क्या हो जाएगा? 632 ये क्या है? नंबर। क्या है ये? नंबर। क्या है ये? नंबर। क्या है ये? नंबर। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का इंट्रोडक्शन इस प्रकार से है, वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore, इस प्रकार से चलता जाएगा अपना आगे। फिर बिलियन, फिर 10 billion, फिर इस तरह से लास्ट तक चलता जाएगा। लेकिन हमको फिलहाल इतना ही याद रखना है क्योंकि बाद में कर लेंगे धीरे धीरे सब अपना कवर। फिलहाल इतना ही याद रखना है। वंस मीन्स होता है वन, एक। ठीक है, टेंस मीन्स होता है 10, 100, 100, 1000 दिख रहा है सबको, 1000, 10,000, 10,000, 1 lakh, 1 lakh। सिंपल है, इंग्लिश में बहुत ही सिंपल है, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, लेकिन इंग्लिश में बहुत ही सिंपल है। 10 lakh 10 lakh, 1 crore 1 crore, 10 crore 10 crore, इस प्रकार से ये नंबर्स हैं। और ये नंबर्स हमको याद रखने हैं कि वंस मीन्स एक होता है, मतलब कि इकाई, हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो इस तरह से चलता रहता है, संख तक चलता है अपना, इसमें भी चलता है संख तक। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना ही याद करने के लिए बोल रहा हूँ, इतना ही लर्न कीजिए आप, फिर आगे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, ऐसे नहीं एकदम से आपको दे दिया जाए और आप एकदम से याद नहीं कर सकते। इतना याद कीजिए, फिर हम आपको आगे दिखाएंगे, इतना हम आपको कवर करवाएंगे। तो नंबर्स, जब जो नंबर्स होते हैं इनके आधार पर ही हम बोलते हैं इन नंबर्स को, जैसे कि 3, 2, 5 पीछे से बोलते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, इस तरह से पीछे से बोला जाता है। वंस, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड। कई बच्चों को ये जो नंबर्स होती हैं
पता ही नहीं चल पाता कि ये कितना लिखा हुआ है, ये तो छोटा सा नंबर है। 1000 तक तो सभी इजीली जानते हैं कि ये कितना लिखा हुआ है, लेकिन 1000 से अपर जाते ही ऊपर जाते ही बच्चों को कंफ्यूजन होने स्टार्ट हो जाता है कि 10,000 है, 10,00,000 है, कितना है। तो कंफ्यूजन ना करें, हम आपको अच्छी तरह से इस तरह से रीड कराएंगे कि आपको दो मिनट में इस कवर हो जाएगा कि ये कितना है और ये कितना है, इस तरह से हम चलेंगे। तो ठीक है, आप इस चीज को याद कीजिएगा, फिर हम अभी इनको उतार लीजिए, अपने नोटबुक बना लीजिए, नोटबुक के अंदर आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए और फिर इसको लर्न कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए, हमको ये सब याद तो करना पड़ेगा, हमको मीन्स आपको ये सब याद करना पड़ेगा, वंस, टेंस, 100, 1000, सीरियल वाइज याद करना पड़ेगा कि वंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, 100 क्या होता है, 1000 क्या होता है, सब को मालूम है क्या होता है। ठीक है, तो याद कीजिए, जस्ट इसका रिवर्स भी याद रखिए कि करोड़ से पहले क्या आता है, लाख से पहले क्या आता है, हजार से पहले क्या आता है, हंड्रेड से पहले क्या आता है, पेन से पहले क्या आता है, वंस। तो करोड़ से पहले लाख से पहले थाउजेंड से पहले हंड्रेड फिर टेंस फिर वंस। तो सीधा भी और रिवर्स भी, उल्टा भी याद रखिए आप, ये आपको हेल्प करेंगे, यहाँ पे मदद करेंगे। थोड़ा सा याद रखना है, अपने आप याद होता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, 302 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 302 कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, हम सभी जानते हैं शरीर गिनती है इसलिए बोलते हैं, बिल्कुल गिनती है, बोलेंगे इसको, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इसका विस्तार करते हैं, एक्सपेंडेड करते हैं इसको, हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में एक्सपेंडेड फॉर्म भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम ये इसको थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कि क्या चीज है, तो ये है वंस, क्या ये वंस, ये क्या होता है, टेंस, ये क्या होता है, हंड्रेड, इस तरह से आगे कोई डिजिट आए वो थाउजेंड, आगे डिजिट आ जाए वो 10,000, इससे आगे डिजिट आ जाए तो लाख, ठीक है, इससे आगे आ जाए तो 10,00,000, तो इस तरह से चलती रहती है, करोड़ फिर 10 करोड़, और इस तरह से चलती रहती है। देखिए, कल हम एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, तो उससे पहले ये जान लीजिए, ये आपको याद रखना है, ये आपको अपने माइंड में रखना है। देखो क्या होता है, वंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, वंस ये होता है वंस, पीछे से चलते हैं। ठीक है, वंस, टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर लाख, फिर 10,00,000, इस तरह से 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, और इस तरह से हम आगे चलते जाते हैं, जितना भी चलते जाएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आगे भी चलती जाती है संख्याएं, जो संख तक चलती है, कहां तक चलती है, संख तक चलती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, फिलहाल करोड़ तक हम पता करेंगे कि करोड़ तक की संख्याओं को कैसे बोला जाता है, कैसे इनको वर्ड्स में लिखा जाता है, कैसे इनको बोला जाता है। तो बाकी की बातें हम कल करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। तो आई होप कि आप सभी को ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो चलते हैं, धन्यवाद।